इतनी देर हो गई, शिखा अभी तक सोई नहीं। रजनी तो इसे सुला कर जाती। मैं जानता हूं तुम मुझे सुन सकती हो। मैंने उस दिन देखा था जब तुमने अपने हाथ हिलाया था। मैं जानता हूं तुम सुन सकती हो मुझे। मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त तुम्हें दूसरों की जरूरत है, पर सच कहूं तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। शिखा प्लीज तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तुम ही हो जो सबको बता सकती हो कि मैं निर्दोष हूं, गुनहगार कोई और है, ताकि उसे सजा मिल सके। तुम्हारी बहन रजनी तड़प रही। प्लीज क्रिश, यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? जलन हो रही है तुम्हें? शिखा मेरी होने वाली पत्नी है, तुम ही शादी करा रही हो हमारी, है ना? फिर क्यों? जी मैम साहब, गाड़ी निकालो, पंडित जी के पास जाओ। आपकी गाड़ी तो यश जी ले गए थे। ठीक है तुम जाओ। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। तुम्हारे साथ जाने से बेहतर है मैं कैब में चली जाऊं। एक मिनट, मैं जानता हूं कल रात में जो हुआ उसकी वजह से तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती, तुम्हें जलन हुई है ना? कब तक जलोगी ऐसे रजनी? ये तो पूरी जिंदगी होगा। I am not jealous, Krish. ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। आखिर तुम भी तो मेरे लिए इतना कर रही हो, मेरी एंगेजमेंट की इतनी तैयारियां उसी के लिए जा रही हो ना? फिर मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूं। कोई जवाब नहीं, इसका मतलब मैं सही था। तुम्हें जलसी हो रही है।
इतनी जलन हो रही है कि घर छोड़कर जा रही हो। तुम मुझे ले जा रहे थे ना, तो चलो। हेलो, सर पे सिंह तो नहीं है, तो ऐसे क्या देख रही है? ये चाय कैसे उबली? अब जैसे तेरे दिमाग का टेम्परेचर हाई रहता है ना, जैसे चूल्हे का टेम्परेचर भी हाई था। पर आप तो थी ना यहाँ पर। मैं क्या तेरी नौकर हूँ यहाँ पे है? और वैसे भी कल जब तेरा दिमाग का टेम्परेचर हाई था और तू वो चित्रा पे भड़की थी, बेचारी पे पता नहीं किसकी भड़ास निकाली थी तूने, तब मैंने तुझसे कहा था कि तू अपना दिमाग शांत रख। तो तूने क्या कहा था मुझे? तूने कहा था कि अपने आप से मतलब रखो, तो मैंने अपने आप से ही मतलब रखा। अब मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो इसमें से पी सकती हो, लेकिन मेरा एहसान मानना पड़ेगा तुम, वरना एहसान परामोश कहलाओगी ना तुम। मैंने मांगी आपसे चाय, और हाँ है आपके सर पे सिंह, वो भी लड़ने के लिए। ए, तू ज्यादा अपना प्रेशर हाई मत करना, अगर मेरा भी पारा चढ़ गया ना तो। एक मिनट अमिता, मेरी बहन को कहाँ ले जा रही हो तुम? वो मैं बाहर घुमाने ले जा रही हूँ। किसकी परमिशन से लेके जा रही? किसने कहा तुमसे कि? कम और अर्चना जी, ये कोई आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी ना है जो मैं आपसे पूछूंगी। ये मेरी होने वाली भाभी है और मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुम क्या चाहती हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ किसी पर भी भरोसा ही नहीं। साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि तुम चाहती नहीं हो कि कभी तुम्हारी बहन ठीक हो? क्योंकि उसकी ये हालत तुमने की है, तुमने और फंसा दिया हमारे क्रिश को। How dare you? इस बेस पर आप ये कह रही हैं? अच्छा, तो तुम चाहती हो कि तुम्हारी पोल मैं खोलूं? तो सुनो, तुम्हारे पति का और इसका लफड़ा था जो तुमसे सहा नहीं गया, इसलिए तुमने अपनी बहन को छत पे ले जाके धक्का दे दिया। ये क्या बकवास कर रही है आप? आपके मन में कुछ भी आएगा बोलती जाएंगे। हमारे घर में रहकर आप हमारा ही अपमान कर रही। तो क्या चाहते? सम्मान करे तुम्हारा? ऐसा कौन सा बड़पन है तुम जो हम तुम्हारा सम्मान करें? ये मत बोलो, आप सब लोग हमारे घर में रह रहे, क्योंकि बहुत जल्द फिर से हमारा होने वाला है मिस्टर यश रोहित। तो साजिश करके तुमने हमारी कंपनी बंद करवाई थी ना, अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सारा पर्दाफाश होने वाला है, तब तो मालूम चलने वाला है कि हमारी कंपनी के दूध में मिलावट किसने करवाई थी। फिर हम बहुत प्यार से धक्का मार कर तुम्हें यहां से इस घर से जेल भेजें। राजन कुमार, अरे फिर से शुरू हो गए तुम लोग? माँ, ये लोग फिर से एहसान जता रहे हैं हम पर, कहने कि हम इनके घर में रहते हैं। और इससे पहले तुम्हारी बुआ जी ने जो इतना घटिया इल्जाम लगाया अर्चना के ऊपर, ये जानते क्या कह? हमने सुना है, हमने सुना इन्होंने क्या कहा। माँ मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। नमिता शिखा को घुमाने के लिए बाहर लेकर जा रही थी, अर्चना ने डांट कर रोक दिया उसे, बोला बिना पूछे क्यों लेकर जा रही हो, हमें भरोसा नहीं है तुम पर। ये तो गलत है ना यश, एक तरफ तुम रिश्ता जोड़ने की बात करते हो और दूसरी तरफ ऐसे दूरियां बढ़ाते हो। देखिए वो मुझे गुस्सा आ गया, इनका गुस्सा मैंने नमिता पे उतार दिया। I'm sorry, नमिता। गुस्सा किस बात? वो हमारी चाय, मेरी चाय इसके पीछे रह गई।
सीट बेल्ट बांधो। क्रिश, क्या हुआ? ब्रेक फेल हो गए रजनी, ब्रेक नहीं लग रहे। क्या? रजनी काम करो, सीट बेल्ट खोलो। हाँ। मेरी नहीं अपनी। मेरी? सवाल मत करो, सीट बेल्ट मैं नहीं खोलूंगी। दरवाजा खोलो और कूद जाओ। और तुम? मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, कूद जाओ। अगर संभालोगे तो मुझे कूदने के लिए क्यों कह रहे हो? मेरी चिंता मत करो, कूदो। मैं नहीं जाऊंगी क्रिश। तकलीफ होती? तुम्हें मेरी परवाह है? हाँ है, है मुझे तुम्हारी परवाह। होगी मुझे तकलीफ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता क्रिश तो क्या हुआ? हमारा डिवोर्स हो गया तो? काफी महीने हो चुके थे आप लोगों से मिले, तो आज सोचा एक बार मिला है। अच्छा किया। वैसे ये डेकोरेशन किस लिए? वो पूजा होने वाली। अरे हमें नहीं बुलाया? बुलाएंगे बुलाएंगे, अभी टाइम है। आपको तो पता है पूजा में कितनी तैयारियां करनी पड़ती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा वजू भाई, जितना बड़ा घर उतनी बड़ी तैयारी।
हमारी तैयारियां तो आधे घंटे में हो जाती है। ठीक है, चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कब तक लोगों से झूठ बोलते रहेंगे? जब तक हम खुद सच्चाई कबूल नहीं कर लेंगे, फिर हमें लोगों का डर नहीं होगा। भैया, क्रिश, भैया क्या हुआ आपको? क्या हुआ? चोट कैसे आई बेटा? ज्यादा चोट नहीं आई मां, बच गए। गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। ऐसे कैसे ब्रेक फेल हो सकती है क्रिश? चलो, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बेटा, ये हाथ कैसे छिल गया? रजनी, मिस्टर क्रिश वैष्णव, ये आपके लिए लेटर है। क्या हुआ बेटा? मैं अभी आता। अरे ये कहाँ गए? क्या हुआ? क्रिश, बेटा क्या लिखा है उसमें? मिस्टर क्रिश वैष्णव, मैं चाहता तो ब्रेक के वायर के साथ साथ फ्यूल पाइप भी काट सकता था, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें मारना नहीं, रोकना है। ज्यादा जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश मत करो, ये सिर्फ ट्रेलर था। अगली बार पूरी पिक्चर दिखा दूंगा, जिसका दी एंड तुम्हारे साथ ही होगा। इसका मतलब मेरे हाथ सही गिरेबान तक पहुंच रहे हैं, मैं उसके बहुत करीब पहुंच चुका हूं। उसे ऐसा लगता है कि मैं डर गया, पर असल में वो कितना डरा हुआ है वो खुद भी नहीं जानता। एक बार ये एनुअल डेयरी फंक्शन हो जाए, फिर मैं बताता हूं कि मैं किसका दी एंड करता हूं।